डियर लर्नर्स, आज हम लोग कॉमन एरर्स के कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे जो कि अपकमिंग CHSL, CHL, CGL, MTS और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें कॉमन एरर्स इंग्लिश रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर वन क्वेश्चन पढ़ते हैं। माय फादर डिससीओडेड मी टू ट्राई फॉर ए जॉब एज ही वॉन्टेड मी टू परस्यू हायर स्टडीज। इसमें कौन सा पार्ट इनकरेक्ट है, कौन सा पार्ट मिस्टेक है? आंसर है सॉल्यूशन फोर, यानी ऑप्शन नंबर फोर, टू ट्राई फॉर ए जॉब। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, डिस्यूट, डिस्यूट विच मीन्स टू कन्विंस नॉट टू ट्राई टेक प्रिपरेशन। देखिए डिस्यूट के बाद फ्रॉम यूज़ करते हैं हम लोग, टू यूज नहीं करेंगे। क्या हो जाता, करेक्ट क्या रहता कि डिस्यूटेड फ्रॉम होता है, करेक्ट इसका होगा। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। यू मे लेफ्ट द क्लास व्हेन यू हैव कंप्लीटेड द टेस्ट। क्वेश्चन नंबर टू है, यू मे लेफ्ट, मे के साथ क्या होगा, मे के साथ लेफ्ट यूज नहीं होता है। मे के साथ हम लोग मॉडल वर्ब के साथ क्या यूज करते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, यानी कि लीव होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। ऑल दो देर आर मोर देन 100 नोन एलिमेंट्स, दे रेयरली अकर एट ए प्योर स्टेट। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, एट ए प्योर स्टेट होता है। यूज इन प्योर स्टेट इन प्लेस एट ए, इन की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, एट यूज करना है हमको। क्वेश्चन नंबर फोर देखते हैं। आई डन ए लॉट ऑफ वर्क टूडे सी सेड। सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट हम लोग भी थर्ड यूज नहीं करेंगे हम लोग, आई क्या होगा, डीड होगा, इन प्लेस ऑफ आई डन। क्वेश्चन नंबर फाइव क्या है। द कॉस्ट ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैव राइजन एबनॉर्मली दिस मंथ। इसमें देखिए क्या बोल रहा है, ये सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे कॉस्ट है, ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगेगा, लेकिन हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये फर्स्ट पर्सन वाला है, तो इसके साथ हम लोग वर्ब कौन सा लिखेंगे, हैव ना हैज, करेक्ट क्या होगा, हैज होगा, यूज हैज इन प्लेस ऑफ हैव। क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं। हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच सी वॉज नॉट रेडी टू हैवी एनी फ्रूट। देखिए हैवी के, हैविंग जस्ट टेकिंग अ हैवी लंच सी वॉज नॉट रेडी टू हैव एनी फ्रूट। हैव के बाद क्या लगेगा हमारा, हैविंग के बाद भी थर्ड लगते हैं हम लोग, टेकिंग नहीं लिखेंगे, यूज टेकन इन प्लेस ऑफ टेकिंग, क्यों, हैविंग के बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं इसलिए। देखिए नीचे में कुछ रूल दिया हुआ है, हैविंग के साथ वर्ब थर्ड और हैविंग बीन रहेगा यानी पैसिव फॉर्म रहेगा तभी हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ। देर इज मैनी मोड्स ऑफ ट्रेवल्स टू गो टू आगरा बट आई प्रीफर रोड ट्रैवल। इसका करेक्ट क्या होगा, देर इज मैनी मोड्स नहीं होगा, देर आर होगा। देखिए देर इंट्रोडक्टरी है, देर के साथ इज लगेगा या आर, ये डिपेंड करता है उसका बाद आने वाले सब्जेक्ट के ऊपर में। यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है, मैनी मोड्स है, इसलिए यहाँ पे इज नहीं होगा, आर होगा। क्वेश्चन नंबर एट। अनलेस यू डिड नॉट डू योर होमवर्क यू विल बी पनिश्ड, सेड द टीचर। अनलेस, देखिए इसका अपना खुद का मीनिंग नेगेटिव होता है, अनलेस के साथ हम लोग कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं करते हैं। कहा होगा ये मिस्टेक कौन सा पार्ट है, अनलेस यू डिड नॉट, यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए, डिड नॉट नहीं होना चाहिए, अनलेस यू वर्क होमवर्क, ये करेक्ट होता। क्वेश्चन नंबर नाइन। The reduction in the cost of education due to increase in subsidies offered by the government is also seen as a reason to get more educated. So, क्या हुआ करेक्ट, आंसर दिया हुआ offered in place of offer। देखिए क्या बोला, the reduction in the cost of education due to increase subsidies offer ना हो कि यहाँ पे क्या होगा, offered हो जाएगा, जो कि किया गया था ऑफर गवर्नमेंट के द्वारा, इज ऑल्सो सीन ए रीजन टू गेट मोर एजुकेटेड। क्वेश्चन नंबर टेन। नॉट कंप्लाइंग बाय, कंप्लाइंग के बाद बाय नहीं यूज़ करेंगे हम लोग, क्या यूज़ करेंगे, कंप्लाइंग के साथ विथ यूज़ करते हैं हम लोग,
क्वेश्चन क्या था, नॉट कंप्लाइंग बाय एनी ऑफ द लॉज कैन लैंड यू इनटू सीरियस ट्रबल। ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, इसके इस टाइप के आने के क्वेश्चन सबके बढ़ जाते हैं सभी एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 11, राजा रवि वर्मा वॉज वन ऑफ द फर्स्ट आर्टिस्ट हु ट्राइड टू क्रिएट अ स्टाइल दैट वॉज बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल। देखिए वन ऑफ द वर्ड जहाँ रहेगा, वन ऑफ द के बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल में रहेगा, आर्टिस्ट नहीं होगा, क्या हो जाएगा, आर्टिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, ही इज मोर स्मार्टर देन हिज ब्रदर दो ही डज नॉट अर्न मच मनी। देखिए सिंपल इसका है, जिसका हम लोग कंप्लीटली यूज़ करेंगे उसके साथ हम लोग मोर यूज़ नहीं करते हैं। स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट होता है, इसलिए इसके साथ कोई ये मोर का वर्ड यहाँ पे सुपरफ्लूअस है, इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, द चाइल्ड अलोंग विथ हिज पेरेंट्स वेर वेटिंग फॉर द प्रोग्राम टू बिगिन। देखिए जो अलोंग विथ जो लगा है इसका रूल है, अलोंग विथ इसके पहले जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर वर्ब सप्लाई करेंगे। तो चाइल्ड सिंगुलर है इसलिए वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। आंसर क्या होगा, वाज इन प्लेस ऑफ वेयर, वाज का यूज़ करेंगे यहाँ पर वेयर की जगह। क्वेश्चन नंबर 14, काउस आर अमंग्स द जेंटलेस्ट ऑफ एनिमल्स नन शोज मोर पैशनेट टेंडरनेस टुवर्ड्स देयर यंग। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा नन सोज मोर, ये क्या है, मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है, नन टेक्स सिंगुलर अ प्लूरल भाव डिपेंडिंग अपन द मीनिंग। नन सिंगुलर अ प्लूरल दोनों भाव लगता है, इसका मीनिंग पर डिपेंड करता है। व्हेन इट रिफर्स टू नॉट वन और नो पार्ट इट टेक्स सिंगुलर भाव, बट व्हेन इट रिफर्स टू नॉट एनी एंड द सेंटेंस हैज अ सेंस ऑफ प्लूरलिटी इट टेक्स प्लूरल भाव। यहाँ पे प्लूरल का सेंस है इसलिए यहाँ पे प्लूरल भाव होगा, इसलिए सोज नहीं होगा, सो होगा। क्वेश्चन 15, The length of a male swallow's tail reveal his attractiveness for a female. यहाँ देखिए सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर है द लेंथ, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या होगा, रिवील नहीं होगा, रिवील्स हो जाएगा, रिवील्स एस जुटेगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 16, 10 किलोमीटर्स आर ए लॉन्ग डिस्टेंस। जब डिस्टेंस एक यूनिट को बताएगा तो हम लोग आर नहीं यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, इज इन प्लेस ऑफ आर। क्वेश्चन नंबर 17, There is not many rice left in the house. देखिए दो यूज़ होता है, एक many और much का। Many किसके लिए यूज़ करेंगे, uncountable के साथ, अब much कहाँ यूज़ करेंगे, many countable के साथ यूज़ करेंगे, much uncountable के साथ। और rice क्या है, ये है uncountable noun, इसलिए इसके साथ हम लोग यहाँ पर many ना यूज़ करके much का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, On the way he was beaten. Beaten verb नहीं होता है, क्या होता है, beaten होता है, बिटेट के जगह क्या लिखेंगे, बिटेन। ऑन स्टॉप बाई ए पॉइजनस स्नैक। क्वेश्चन नंबर 19, सुप्रिया आस्ट किरण दैट, आस के साथ दैट यूज़ नहीं करते हैं, आस के साथ क्या यूज़ करेंगे हम लोग, ये जो नरेशन होता है नरेशन में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब आस्ट लग गया उसके साथ हम लोग इंट्रोगेटिव वर्ड यूज़ करेंगे, दैट की यूज़ नहीं करेंगे यहाँ पे, उसके बाद सही है। क्वेश्चन नंबर 20, The match is about to begin since the captain as well as the team are on the field. देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, The match is about to begin. R जो है mistake है, The match is about to begin since the captain as well. कि as well as word जब लगा तो इसके पहले जो subject है का इसको देखते हुए verb लिखेंगे, यानी captain के साथ हम लोग R ना लिखे, क्या लिखेंगे, is लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, नो सीनर डिड ही सी द टाइगर व्हेन ही रैन एज फास्ट एज ही कुड। देखिए नो सीनर के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, नो सीनर के साथ हम लोग देन यूज़ करेंगे, व्हेन हार्डली बेयरली के साथ यूज़ करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सॉल्व्ड एमिकेबली अनलेस दे आर नॉट रिजिड। मोस्ट डिस्प्यूट्स कैन बी सोल्व एमिकली अनलेस दे आर नॉट, अनलेस के साथ हम लोग नॉट का यूज़ नहीं करते हैं, ये नेगेटिव वर्ड अपने आप में है। क्वेश्चन नंबर 23, इफ सो मैनी कैचेस हैड नॉट बीन ड्रॉप्ड वी वुड हैव वन द मैच।
हैड नॉट यानी परफेक्ट टेंस है, यानी बीन का यूज़ होना चाहिए यहाँ पर, बीन का यूज़ नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस में यूज़ होता है, बीन यहाँ पर होगा बीन की जगह, यहाँ बीन नहीं होगा बीन होगा। क्वेश्चन नंबर 24, ईच ऑफ द गर्ल्स हैव गिवन, देखिए ईच ईच के साथ क्या होता है, नाउन आएगा प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर आएगा, इसको देखते हुए हम लोग वर्ब को यहाँ पुट करते हैं, इसलिए इसके साथ क्या लाएगा एज। क्वेश्चन नंबर 25, द डून वैली विथ ऑल इट्स लाइट्स लुक ब्यूटीफुल, देखिए ये डून वैली है ना, इसके साथ ये फ्रेज लग गया विथ ऑल इट्स लाइट्स, दी सब्जेक्ट डून वैली हुआ, इसको देखते हुए यहाँ पर जो वर्ब रहेगा वो भी सिंगुलर रहेगा, यहाँ पे क्या होगा एज जुटेगा। क्वेश्चन नंबर 26, द जापानीज आर्टिस्ट यो नागाओ वाज बिजी स्प्लैशिंग द वॉल फ्रॉम कलर्स, फ्रॉम कलर्स नहीं होगा विथ कलर्स होगा, यहाँ पे प्रीपोजिशनल मिस्टेक है फ्रॉम की जगह। क्वेश्चन नंबर 27, लोडी कॉलोनी इन दिल्ली इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेसेस इन द सिटी दैट इज क्राउडेड एंड नॉइजी, देखिए यहाँ पे क्या बोला है, That R is the correct uses that relative pronoun has been used for other places. That is used नहीं करेंगे यहाँ पर, that के साथ क्या यूज़ करेंगे, R यूज़ करेंगे, क्यों, क्योंकि comparison किससे हुआ है, other places से, ये हो गया in the city that क्या होगा, that are crowded and noisy, city का comparison है। क्वेश्चन है 28, she forgot lock the door when she went out in a hurry. She forgot के बाद एक यहाँ प्रिपरेशन इन्फिनिटिव बैठाएंगे, she forgot to lock. क्वेश्चन नंबर 29, we will rest for some time when we will reach, दो फ्यूचर टेंस एक साथ यूज नहीं होता है, यहाँ पर हम लोग will को हटा देंगे, सेकेंड पास्ट में यहाँ will को हटा देंगे। क्वेश्चन नंबर 30, द रिवर यमुना हैज मैनी नॉन नेटिव स्पेसिस लाइक गोल्ड फिश दैट इज अफेक्टिंग द इकोसिस्टम, देखिए यहाँ पे दैट इज नहीं करेंगे दैट आर करेंगे, क्यों, फिश क्या हो गया प्लूरल हो गया, यहाँ प्लूरल के साथ इज नहीं यूज़ करेंगे आर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, दैट इज द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश मुंजल हैज़ बीन प्ले पेंटिंग दिस वॉल सिंस द पास्ट वन वीक, वन वीक क्या है इनडेफिनिट टाइम है, इसलिए यहाँ पर सिंस नहीं लिखेंगे फोर लिखेंगे इसकी जगह। क्वेश्चन नंबर 32, आई नो द कॉबलर विच मेंट्स द शूज आउटसाइड द गेट ऑफ आवर कॉलोनी, आई नो द कॉबलर, कॉबलर क्या है जो जूता बनाने होता है, उसके साथ विच यूज नहीं करते हैं, यहाँ पे हु यूज करेंगे। 33, एवरी एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, एवरी के साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, वेर यूज़ नहीं करेंगे वाज यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 34, साइक्लोन इडाई इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द वर्स्ट टिपिकल साइक्लोन, वो देखिए फिर वन ऑफ द आगे जहाँ पर उसका जो नाउन आएगा वो प्लूरल में आएगा साइक्लोन्स होगा। क्वेश्चन नंबर 35, टोरेंटियल रेन्स एंड वाइंड्स ऑफ अप टू 170 किलोमीटर पर आवर्स स्वेप्ट अवे रोड्स होम एंड ब्रिजेस एंड नॉकिंग डाउन पावर एंड कम्युनिकेशन लाइन्स, देखिए ये सब्जेक्ट रहा टोरेंटियल रेन्स एंड वाइंड्स अप टू इतना, उसके बाद वर्ब क्या रहा स्वेप्ट अवे, बी टू में है, इसके बाद फिर सेकेंड पार्ट में भी क्या होना चाहिए जो वर्ब है वो बी टू में ही रहना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट सेम है तो जो उसके बाद का वर्ब आएगा सब सेम फॉर्म में ही रहेगा, नॉकडाउन होगा। 36, सी लॉस्ट अ बिग ऑर्डर फ्रॉम ए नॉन शोरूम इन केस ऑफ हर ओन केयरलेसनेस, इन केस नहीं होगा यहाँ पे, इन केस के जगह हम लोग बिकॉज ऑफ या ड्यू टू लिख सकते हैं क्योंकि ये रीज़न को बता रहा है। 37, ड्यू टू द साइक्लोन इडाई वास्ट एरियाज ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड रोड्स डिस्ट्रॉयड एंड कम्युनिकेशन डिसरप्टिंग, ये भी तीनों वर्ब जो है एक फॉर्म में रहना चाहिए, यहाँ पर हैव बीन के बाद भी थर्ड यूज होगा फ्लडेड डिस्ट्रॉयड इसलिए डिसरप्टिंग होगा यहाँ पे। 38, साइक्लोन इडाई किल्स एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मोजाम्बिक ऑल्दोह इट टोर अक्रॉस साउथर्न अफ्रीका, यहाँ पे क्या होगा साइक्लोन इडली किल एटलीस्ट 157 पीपल इन जिम्बाब्वे एंड मिजोरम ऑल्दोह इट टोर नहीं होगा, ऑल द
डू इट, ये पोर्शन मिस्टेक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।